मेरे पौधे को करीब 3 साल तो हो ही गए हैं, तो ये देखिए कितना इसमें जो है कितनी ज़्यादा ब्रांचेज आ गई हैं। इसकी मैंने अभी कटिंग नहीं करी है, मैं सोच रहा हूँ इस बार इसकी कटिंग कर दूँ। वो मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से इसमें कटिंग करनी है। फल आ गए हैं देखिए, जिस ब्रांच में उसको छोड़ देंगे, बाकी की छोट हल्की जो जैसे देखिए इसमें फल नहीं आए हैं, इसको इस तरीके से यहाँ पर से ये कट कर दिया ऐसे। इसमें यहाँ पर कोई फल नहीं आया है, इस तरीके से यहाँ से कट कर दिया। इसमें नई ब्रांच आएंगी यहाँ से, तो उसमें अच्छे फूल खिलेंगे ऐसे ही। इस प्रकार से देखिए ये इसमें देखिए कहीं से ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, तो इसको यहाँ से जड़ से इसकी कट कर दिया। ये 3 कट कर दिए। ये कटिंग भी आप लगा सकते हैं, ये जो नींबू की कटिंग है इसको आप यूज कर सकते हैं। इसको लगाएंगे तो ये ग्रोथ कर लेगा, एक एक 1.5 साल में पौधा तैयार हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप इसकी सब कटिंग कर दीजिए, जितनी पुरानी ब्रांचें हैं पतली पतली, और जिसमें फल आया है, जिसमें फूल आया है, फल आया है छोटे छोटे, उनको रहने दीजिए, बाकी जो है हल्की कटिंग कर सकते हैं आप। ये मैंने जितनी थी इनकी कटिंग कर दी है दोस्तों। ये देखिए मैंने सब ये कट कर दिए हैं, इसको आप कटिंग को लगा सकते हैं। कटिंग से भी ग्रो हो जाता है नींबू का पौधा। अगर आप घर पर करना चाहें तो इसको कटिंग को खाली मिट्टी में लगा दीजिए, क्योंकि कटिंग लगाते वक्त हम खाली मिट्टी में लगाएंगे तो वो ग्रो कर जाती हैं। खाली मिट्टी में लगा दीजिए और इसको धूप में रखिए, कटिंग ग्रो हो जाएगी। करीब 10-15 दिन में इसमें जो है नई ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ये तो होगी कटिंग की बात। अब इसमें जो है आपको जो फल हैं, फल जो अगर बड़े साइज़ में चाहिए तो इसमें आपको 15 दिन में तो इसमें जो है खाद जो मैंने बताई है आपको ये यूज करना ज़रूरी है, और इसको पूरे दिन की धूप दिखाएंगे तो आपका जो पौधा है अच्छे ग्रोथ करेगा और अच्छे फूल आएंगे इसमें और अच्छे फल में कन्वर्ट हो जाएंगे दोस्तों। ये देखिए ये करीब जब मैंने इसकी प्रूनिंग करी थी नींबू के पौधे की, उसके 1 महीने बाद का रिजल्ट है। देखिए ये कितना घना हो गया है। अगर आप भी इस तरीके से नींबू के पौधे की प्रूनिंग करेंगे तो आप भी आने वाले समय में अच्छे से फल प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए जहाँ जहाँ से मैंने इसमें कट करा था वहाँ वहाँ से नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये इसमें देखिए फूल भी आ रहे हैं, देखिए नए फूल भी आ रहे हैं और छोटे छोटे फल भी लग रहे हैं। ये देखिए ये ब्रांच में देखिए जैसे छोटे फल लग रहे हैं। देखिए ये 12 मासी नींबू का पौधा है और इसमें बढ़िया मात्रा में नींबू, अच्छी क्वालिटी के नींबू इसमें होते हैं। ये देखिए मैंने जहाँ जहाँ से इसमें कट करा था वहाँ से इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये हो गया, ये देखिए हर ब्रांच से अलग अलग जो है दो दो तीन तीन ब्रांच आ गई है जहाँ से मैंने कट करा था। ये देखिए आप भी अगर इस समय जो बरसात हो रही है, इस समय जो बारिश का मौसम हो रखा है, उस समय भी अगर इसकी प्रूनिंग करेंगे इस तरीके से तो आप भी जो है इसमें अच्छी अच्छी जो है ग्रोथ अभी ले सकते हैं, क्योंकि बरसात में जो है पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। ये देखिए मैंने जैसे यहाँ से भी कट करा था तो यहाँ से भी देखिए नई ब्रांच आ रही है, इधर से भी आ रही है, और इसमें जो है फल भी अच्छी मात्रा में आने लग गए हैं। ये देखिए इधर से देखिए, जैसे यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए इसमें छोटे छोटे नींबू बनना स्टार्ट हो गए हैं। मैंने ये नींबू से संबंधित 2-3 वीडियो पहले भी बनाए हैं, अगर उसकी केयर आप इस तरीके से करेंगे तो आप भी अपने नींबू के पौधे से अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। और कई जगहों पे देखिए कि नींबू के पौधे में एक कीड़ा लग जाता है, देखिए ये पौधों में जो एक कीड़ा लग जाता है, इससे क्या होता है आपके जो नींबू के पौधे के जो नए नए कोमल पत्ते आते हैं उन्हें ये कीड़ा खा देता है, इसलिए इस कीड़े को साइड फेंक दीजिए, या इसमें कोई नीम ऑयल का आप छिड़काव कर सकते हैं। टाइम टाइम पे इस पर अगर 8-10 दिन में नीम ऑयल का छिड़काव करा, थोड़ा सा उसमें सौंफ वगैरह मिलाकर, तो आपका जो है कीड़े से बचाव हो सकता है। ये देखिए जैसे पत्ते खा लेता है, पूरे पत्ते खा लेगा तो आपके जो नींबू का पौधा है वो ग्रोथ नहीं लेगा। इस तरीके से आप नींबू की जो देखभाल है करते रहेंगे तो आप जो गर्मी बारिश में नींबू पा सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आगे शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।